हमारे भीतर का कचरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब निश्चित है कि भीतर, वो कहते हैं ना, वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे। हमारे आंगन को हम नहीं बुआ रहे, आंगन से मतलब ये नहीं है कि आपने अपना घर नहीं बुआ रहा, घर में झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, सब कुछ घर तो क्लीन रखा है, घर में तो पर्दे भी बदले हैं, घर में तो तुम बेडशीट भी बदलते हो, घर में तो रोज नूतन भोजन भी बनाते हो, घर में तो तुम रोज श्रृंगार भी करते हो, घर में तो तुम रोज नया नया कुछ करने का प्रयास करते हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जैसे घर में रोज पोछा लगाना जरूरी है, घर में रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर में रोज सफाई करना जरूरी है, रोज नया श्रृंगार करना जरूरी है, रोज नई साड़ी कपड़ा वस्त्र आभूषण पहनना जरूरी है, उसी तरह अपने मन को भी प्रतिदिन नूतन करना जरूरी है, नया करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। वो क्यों छूटे? और जब हमारे भीतर का अहम, हमारे भीतर का अहंकार, जब हमारे भीतर की आसक्ति, जब हमारे भीतर की तृष्णा, लोभ, ये सब समाप्त ही नहीं होता, तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता, बहुत कठिन है महाराज। इसलिए तो शास्त्र कहता है कि त्रेता में, सतयुग में, यज्ञ से, अनुष्ठान से, साधना से, भजन से, आदिक आदिक तप साधना से प्रभु मिल जाते थे, पर कलयुग केवल एक ऐसा है कि जिसमें कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर, इस कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है, आप जितना भजेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, उतना आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। पर दिक्कत तो यही है ना कि व्यक्ति जपता तो है पर छलवश जपता, भगवान का नाम जपता जरूर है, ऐसा नहीं कि संसार में कौन नहीं जपता। आप पूरे जाकर देखो, बड़े बड़े तीर्थों में देखिए, बड़े बड़े नदियों के तट पर देखिए, बड़ी बड़ी नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, मंदिर, देवालय, शिवालय, और आपके नगर में भी जाकर देखिए, सारा भरा पड़ा है, लोग बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं, कोई भगवान का राम नाम जप रहा है, कोई कृष्ण नाम जप रहा है, कोई शिव नाम जप रहा है, कोई देवी का नाम जप रहा है, उसकी मर्जी पड़े वो जप रहा है, जिस भाव से उसको जप। उसका जैसा मन करता है वो जप रहा है। पर यदि 100 लोग उठाए जाएं और 100 लोग उठाने के बाद अगर उनमें से छाटा जाए कि इनमें से सही भजन कितने करें, सही भजन करने वाले कितने, भगवान शंकर को रिझाने वाले, भगवान को मनाने वाले कितने, 100 में से अगर हिसाब लगाया जाए तो कहीं थोड़ा सा 2-5 कुछ ऐसे निकलेंगे जो भगवान शंकर की सही भक्ति में लगे हुए हैं, सही भजन में लगे हुए हैं, सही स्मरण में लगे हुए हैं। बाकी के तो जितने आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो विचलित हों अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने मन से विचलित। कहीं अगर भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शंकर की करुणा हुई है, आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं, आप शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान देवाधिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मान कर चलो कि कहीं शिव तत्व की बड़ी कृपा हुई है आप पर, भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने घर जाकर अपनी नजर जरूर उतरवा लेना कि भगवान शंकर की कितनी कृपा आप लोगों पर हुई, इसका कोई वर्णन नहीं, कितनी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छेदी ना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग। हम शिव की शरणागति कितनी ग्रहण करें। तारकासुर असुर हुआ, जिस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र के द्वारा। मांगने वाला भी अगर मांग रहा है और वो भी असुर राक्षस, और असुर भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं,
इंद्र ने तारकासुर से जाकर पूछा था यह प्रश्न कि तूने ऐसा वर क्यों मांगा, तूने ये वर क्यों मांगा, मतलब शंकर भगवान समाधि में लीन है और वो उनकी शादी नहीं होगी इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा, शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है रे इंद्र तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया, वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय, इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, मतलब तारकासुर यह जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो यह मरेगा नहीं, या तो इसलिए मांगा उसने या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए, शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध हो, वो हित चाहता। अब दुनिया के लोग उसको आहित समझे, आपसे पूछे बच्चा बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा जन्म लिए बच्चे को 2 दिन में 5 दिन में 7 दिन में 3 महीने में 1.5 महीने में 1 महीने में 15 दिन में 20 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है, उसको टीका लगता है। आप सब माँ बैठी हो, आप सब मेरी जीजियां बैठी हैं, सब माताएं बैठी हुई हैं और सारी आस्था चैनल पर मेरी जितनी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी मेरी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं वो जानती हैं, गोदी में छोटा सा बच्चा है, अभी जन्म ला, अभी जन्मा, दुबला पतला छोटा सा, हड्डी हड्डी शरीर में उसके छोटा सा, बहुत छोटा। अब जन्म लिया बच्चे में कितना प्राण होगा, पर आपसे पूछे मेरी जीजियों से कि आपको मालूम है कितना कष्ट से हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है, इतना छोटा सा तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा है, छोटा सा बाबू है, इसको अब डॉक्टर ने कहा है इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, फिर भी माँ अपने हृदय पर पत्थर रखती है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में टीका लगवाने जाती है। गई कि नहीं गई, बोलो बोलो जम के बोलो, गई। क्यों गई, काहे के लिए गई, जब उसका इतना चाहने वाला पुत्र और उसको मालूम है रोएगा ये कम से कम अभी 4 दिन 5 दिन रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा, उसको मालूम है बुखार भी आएगा, उसको मालूम है इसको बुखार जरूर आएगा, माँ को मालूम है इसकी तबीयत खराब होगी, पड़ा रहेगा सुस्त होकर, रोता रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, माँ को सब मालूम, पर माँ फिर भी उसको इंजेक्शन लगवा रही है, उसको टीका लगवा रही है क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर मैंने लाड़ प्यार में इसको टीका नहीं लगवाया तो इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसको कहीं मालूम पड़े कि कोई शरीर का रोग ना हो जाए, कहीं शरीर का रोग, इसका कोई हाथ पैर शरीर कोई ऐसा बेकार ना हो जाए, तो माँ उसको अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवाती, माँ उसको इंजेक्शन लगवाती, उसको मालूम है कि ये इसको कहीं ना कहीं इसको तकलीफ होगी, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको कष्ट होगा, उसको मालूम है कहीं ना कहीं ये रोएगा, बुखार भी आएगा, शरीर में कष्ट भी होगा, फिर भी माँ उसको लेकर जाती है, टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि आज अगर इसको टीका नहीं लगा, इंजेक्शन नहीं लगा तो इसका कल बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार का हर व्यक्ति एक विचार, एक चित्त अपने मन में लेकर आए कि हमें 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए शिवालय जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल बिगड़ जाएगा, इसलिए आज अगर मैंने जल चढ़ा लिया तो मेरा कल भी सुधर जाएगा, ये निश्चित है, कल सुधरेगा मेरा। एक माँ ने खत लिखा है, मंजू यादव आप ही बेटा, श्री शिवाय नमस्कार जी, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाओ। मंजू यादव, मैं राजनंद गांव की निवासी हूं, मेरा फोन नंबर ये है
गुरुजी मेरी दो बेटियां हैं और बेटियों के बाद में मुझे 18 साल हो गए थे। कई बार परिवार हो चाहे दूसरे हो ताना तो देते ही हैं कि एक बेटा नहीं एक लड़का नहीं। बेटियां होने के बाद मेरे पास 18 साल हो गए। डॉक्टर ने एक बात कह दी थी कि अब तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, समय निकल चुका है। हम दो बेटियां होने के बाद भी डॉक्टर से बार बार मिलते रहे, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं हो सकती। 18 साल निकल गए दो बेटियों के बाद, और दो बेटियां होने के बाद में जब 18 वर्ष निकल गए तब भी मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं। और लोगों के शब्द, बेटियां हैं कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा। तब हम बाबा की कृपा से गुरुदेव सावन की शिवरात्रि के समय पर हम 2022 में सीहोर पहुंच गए और बाबा को हमने वहां कावड़ चढ़ाई। कावड़ चढ़ाकर बाबा से विनय करा, कंकर शंकर पूजन करा, और वहां से आने के बाद में हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा के रुद्राक्ष का जल पीते, शिवजी को जल चढ़ाते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते। कहीं ना कहीं रजो धर्म ना होने के कारणवश भी संतान नहीं हो पाते, पर शिव तो शिव है, उसके आगे सब छोटा है। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव 18 वर्ष के बाद भी मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी और 28 मई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। एक शिव की आराधना का फल क्या है? आज एक शिव की आराधना का फल क्या, एक शिव उपासना का फल क्या? इसने लिखा है दीजी ने, जब दो बेटियां हो गई और बेटियां होने के भी 10, 11, 12 वर्ष निकल गए, 15 वर्ष निकल गए, 16 वर्ष निकल गए, 18 साल निकल गए, तब तो आस ही छोड़ दी थी कि अब कोई संतान नहीं होगी और पुत्र तो होना है, आस छोड़ दी। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभुकार धार तू। हम उसके भरोसे जब हो जाते आश्रित, उसके भरोसे जब हो जाते वो संभाल। संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी कौन संभालेगा, जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो, क्यों विचार कर। शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का, कि भगवान कृष्ण की नानी
भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की माँ, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत। पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। ये पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था। यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा, ले शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव, पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख नाक मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना, पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे वो अपनी जगह पर है, पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग का निर्माण। अब माँ यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही, और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है उस जलाधारी पर पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार। हमने परसों की कथा में कहा था पुकारे जाओ पुकारे जाओ पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है, उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो बोलबम का नारा है आवाज। नाश्ता ज्यादा करिया है क्या, जरा दमदारी से बोलो बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल जल। अब यहां शिव तत्व कह रहा है 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा सुनेगा, हाथ रखकर बैठ गई, कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर देवालय शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं जहां से पानी नीचे बहता है, वहां अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए शिव। अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा बैठ गए। मुझे तेरा ही सहारा है,
मेरे भोले, हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, हाथ जलाधारी पर पुकार दो। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जीत पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जीत। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते हैं। मचल गया कभी कभी, रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए, बुजुर्ग का, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काय शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की थी, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे, तो उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही थी, हमारी माता जी आपको सुनती हैं और श्रवण करती हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिले, हो सकता है भोलेनाथ जी ने उनके लिए आपको यहाँ बुलाया। 106 वर्ष, एक बुजुर्ग का रूप लेकर मेरे महादेव आते। कभी कभी हो जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का एक भाव प्रकट हो जाता है, शिव तत्व का। अब मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप लेकर पहुंच गए पाटला देवी के पास में। ओ पाटला, पाटला ने सोचा मेरी जैसी बुढ़िया को कौन आवाज दे रहा, मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की मां कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है, पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, और पत्नी पति को बुलाती है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाती है, कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर है। अब एक बार की तो कथा है, इंदौर में हम कथा कर रहे थे और इंदौर में जब बहुत बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले की बातें लगभग हो गए होंगे, 20-22 साल पहले अपना पैलेस में कथा चल रही थी, और वहाँ कथा चलते चलते तो आरती पहले हम जय जगदीश हरे की गा रहे थे, तो इधर आरती करने वाले जो बाजू में खड़े थे और हम बोलते जय जगदीश हरे, पास में खड़ी एक माँ बोलती जय कल्लू के पिताजी हरे, वो जगदीश नाम ही नहीं ले। अब आरती तो पूरी हो गई पर ध्यान हमारा भटक गया उसकी ओर गया, और आरती पूरी होने के बाद जब वो बेलपत्र तुलसी दल लेने के लिए आई तो हमने उनसे पूछा, हम जगदीश अरे बोल रहे हैं, तुम कल्लू के पिताजी, अरे ऐसा क्यों, आपकी क्या जगन्नाथ जी से कोई लड़ाई है? कहती नहीं, उनका नाम है।
हमने कहा किनका? उनका। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर पड़ जाता है। भारत में माताएं, कई माताएं, आजकल तो खैर लोग नाम से पुकारने लगे, पर भारतीय नारी पति का नाम। एक गांव में एक सर्वे करने वाले आए और गांव में सर्वे करने वाले आए और सर्वे करने वालों ने पूछा, आते से सब घर के दरवाजे बजा, दरवाजे बजाते बजाते एक घर पर गए जहां उसका पति नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी बाहर आ गई, आते से पूछा क्या है, पति भी घर में है नहीं, पत्नी ने पूछा कौन है, हम सर्वे वाले, अच्छा जरा तुम्हारा नामांकन सर्वे करना है, बोलो क्या पूछना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, उसने बता दिया मेरा नाम बिमला है, अच्छा फिर बच्चे कितने हैं, कि चार बच्चे हैं, नाम बताओ, उनका नाम बता दिया, पति, पति भी है, उसका नाम। अब सर्वे वाले बोले नाम बताओ, बताती नहीं, शर्माने लगी, बोली नहीं। सर्वे वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ, घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे, नेम प्लेट भी नहीं लगी, अब करे तो करे क्या, बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओगे क्या, हाँ समझ जाएंगे बता, तो क्या तीन गंजी और तीन गंजी कितनी हो गई, तीन गंजी और तीन गंजी कितनी हो गई। सर्वे वालों ने कहा तीन गंजी, तीन गंजी, हाँ तीन गंजी, तीन गंजी तो छह गंजी, मतलब छगंजी, तीन गंजी, तीन गंजी मतलब छगंजी, अच्छा पति का नाम छगन जी है, पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी, आज नाम कैसे बोले, आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता चाहिए, कौन बोल दिया, किसने पुकारा है, शिव जी आवाज लगाए वृद्ध के रूप में, पाटला, ओ पाटला। पाटला ने जो पलट कर देखा कोई बुजुर्ग है, पाटला को गुस्सा आया, पाटला ने सोचा, माता पाटला ने विचार किया, बताओ मैं अच्छी खासी शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी और ये बुड्ढा यहाँ बुजुर्ग यहाँ आ गया और मेरे पूजन करने में तो मेरा पति भी मुझे नहीं उठने देता, बोलता ही नहीं, उसको मालूम है पति को भी कि उठने वाली तो है ही नहीं, तो पहले ही चाय बनवा लो, दूध बनवा लो, जो करना पहले, अगर ये पूजन में बैठ गई तो नहीं उठे। और कई कई माताओं की आदत रहती है पूजन में अगर बैठी हैं और अगर कहीं बहू बेटा पोता पति जो भी कोई है वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छेड़ देना तो इसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध, पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पर पाटला मेरे को पुकारा, कौन पुकार रहा है, जो पलट कर देखा एक बुजुर्ग थे, डंडा टेकते टेकते आ रहे थे, पाटला ने पूछ लिया, बाबा क्या चाहते हो, बाबा कहते हैं बहुत भूख लगी है, बहुत बहुत, बाबा भूख, हाँ बहुत तेज भूख लग रही है, हाँ ठीक है बाबा। पाटला उठी, शंकर भगवान को जो नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना, सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, सावन के महीने की जब श्रावणी आए, सावन की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी, कहो यशोदा से। श्रावणी पर, हाँ सावन का महीना था, पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा, दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे, यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है, मेरी माँ ने पत्र भेजा है, हाँ क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना पाटला देवी ने जैसे ही पत्र भेजा, यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ, श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया, यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया, खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ, भोजन परोसने की तैयारी हुई, यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर कर धनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया, खीर परोस रही यशोदा जी, दूध सामग्री जो होती है ना वंश की वृद्धि करती है, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है, श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन
कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में, तिथि पर श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए, जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो, और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो, तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर आओ, और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए, तीन तिथियां। और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर भले एक चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम, एक चम्मच दूध भी हो, छोटा सा दो बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का गौ सेवा में लीन होने वाले, एक बूंद भी हो दिया, भले चम्मच भर हो दो बूंद का हो। तीन तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये तीन तिथियां ऐसी हैं जिसमें दो बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ और क्यों ना दे महादेव एक पत्र। मैं प्रेरणा खंडेलवाल राजनंदगांव निवासी हूं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। प्रेरणा खंडेलवाल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं राजनंदगांव की निवासी हूं, आपके हैं? अच्छा, आइए एक बेलपत्र लेकर चले। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था, 2 बार गर्भ ठहरा खराब हो गया, एक गर्भाशय रहा तो ट्यूब का मुंह बंद हो गया, इस कारणवश मुझे औलाद नहीं हुई। बाबा परेशान हुई, अब एक ट्यूब बची वैसे गर्भाशय की, डॉक्टर के हिसाब से मुश्किल था कि तुम्हें औलाद हो, एक ट्यूब बची, अब डॉक्टर के हिसाब से बड़ा मुश्किल था कि संतान हो।